नमस्कार दोस्तों, ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का सहर्ष से स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत बेंज की 5528T ट्रैक्टर इस गाड़ी के बारे में। दोस्तों, आज नवरात्रि का छठवां दिन है, तो AAA डाईकास्ट एंड ब्लॉक्स ट्रक टॉक्स के सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत बेंज की 5528T दोस्तों, ये एक 55 टन के GCW यानी कि ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट में आने वाली ट्रैक्टर ट्रेलर यानी कि घोड़ा ट्रक है। दोस्तों, पहले ये गाड़ी भारत बेंज 4928 के नाम से बेची जाती थी, लेकिन जब से एक्सल नॉर्म्स बढ़ गए हैं यानी कि एक्सल का वेट्स बढ़ा दिया गया है, तब से इस गाड़ी का नाम भारत बेंज 5528T रखा गया है। आइए इसके बारे में अधिक जानकारी पाते हैं। सबसे पहले जानते हैं भारत बेंज की 5528T की एक शोरूम कीमत रेंज के बारे में। दोस्तों, इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत की रेंज शुरू होती है 33,50,000 रुपये से लेकर 34,50,000 के बीच में। दोस्तों, ये एक शोरूम कीमत है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। भारत के अलग अलग शहरों तथा प्रांतों में ये कीमत कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं भारत बेंज 5528T के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में लगा हुआ है डाइमलर ग्रुप का DE210 BS4 6 सिलेंडर्स इनलाइन 6372 cc का SCR यानी कि सिलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन प्रणाली पर चलने वाला डीजल BS4 इंजन, जो मैक्सिमम पावर देता है 281 HP की 2200 RPM पे और 1120 Nm का टॉर्क 1200 से 1600 RPM पे। दोस्तों, ये इंजन BS4 कंपाइलेंट है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। आगे आने वाले BS6 नॉर्म्स में भारत बेंज इसी ही SCR टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली है। गियरबॉक्स की बात करें तो इस गाड़ी में लगा है भारत बेंज का G131 यानी कि G131 9 स्पीड मैनुअल, जिसमें 9 गियर आगे की तरफ और 1 गियर रिवर्स दिया गया है। फुल्ली सिंक्रोमस टाइप 430 mm के सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन टाइप क्लच के साथ। दोस्तों, सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आगे वाले एक्सल पर पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग टाइप सस्पेंशन हाइड्रोलिक एवं टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर्स के साथ दिया गया है, और इसमें आगे वाले सस्पेंशन में एंटी रोल बार का प्रयोग भी किया गया है। पीछे वाले एक्सल्स पर इन्वर्टेड सेमी इलिप्टिकल टैंडम बोगी सस्पेंशन दिया गया है, ताकि हैवी लोड्स को ये गाड़ी आसानी से खींच सके। दोस्तों, 10 टायर और 6 टायर के ट्रैक्टर ट्रेलर्स और घोड़ा ट्रकों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है पीछे का एक्सल का टाइप और पीछे के एक्सल का रेशो, यानी कि रियर एक्सल टाइप और रियर एक्सल रेशो। रियर एक्सल टाइप की बात करें तो भारत बेंज की 5528T में लगा हुआ है IR390 फुल्ली फ्लोटिंग टाइप सिंगल रिडक्शन हाइपोइड गियर्स के साथ रियर एक्सल, जिसका रियर एक्सल रेशो है 4.77। दोस्तों, रियर एक्सल रेशो के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए आप हमारा टाटा प्राइमा वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। दोस्तों, इस गाड़ी में डिफरेंशियल लॉक का भी प्रयोग किया गया है, ताकि गाड़ी कहीं भी फंस जाए तो डिफरेंशियल लॉक का प्रयोग करके इसे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। दोस्तों, इसका G131 गियरबॉक्स और 4.77 वाला रियर एक्सल रेशो इस गाड़ी को 28.36% की ग्रेडेबिलिटी यानी कि चढ़ाई लांघने की क्षमता प्रदान करता है। ब्रेक्स की बात करें तो इस गाड़ी में न्यूमेटिक ड्यूल लाइन फुल एयर एसकैम ब्रेक सिस्टम ABS यानी कि एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम और इंजन ब्रेक और एग्जॉस्ट ब्रेक्स के साथ दी गई है, जो कि लोडेड गाड़ी को रोकने के लिए भी सक्षम है। दोस्तों, आइए बात करते हैं भारत बेंज 5528T के वजन और आयाम यानी कि वेट्स एंड डायमेंशंस के बारे में। दोस्तों, इस गाड़ी का GCW यानी कि ग्रॉस कॉम्बिनेशन वेट ट्रेलर के साथ है 55 टन का। दोस्तों, ये ट्रैक्टर ट्रक होने के कारण इसमें GVW नहीं बल्कि GCW कहा जाता है। इस गाड़ी का व्हील बेस है 3975 mm। दोस्तों, इस गाड़ी में आपको 24 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम यानी कि 12-12 वोल्ट की दो बैटरियां कट ऑफ स्विच के साथ दी गई है, यानी कि ज़रूरत ना होने पर आप इसकी बैटरी को कट ऑफ करके रख सकते हैं। इस गाड़ी में 290 लीटर का मेन डीजल टैंक और 200 लीटर का एडिशनल डीजल टैंक दिया गया है। उसी के साथ साथ 60 लीटर की एड ब्लू यानी कि यूरिया की टंकी भी दी गई है। टायर साइज की बात करें तो इस गाड़ी में 16 प्लाय रेटिंग वाले 295/80 के 22.5 इंच के ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं भारत बेंच 5528T के इंजन के खूबियों के बारे में। इसके इंजन की सबसे महत्वपूर्ण खूबी है यूनिटाइज फ्यूल इंजेक्शन पंप, यानी कि दोस्तों, इसके 6 सिलेंडर इंजन के हर सिलेंडर के ऊपर 6 अलग अलग इंजेक्शन पंप दिए गए हैं, जो 1800 बार के इंजेक्शन से डीजल स्प्रे करते हैं। दोस्तों, इसके इंजन की दूसरी खूबी है इलेक्ट्रॉनिक ई विस्कस फैन। दोस्तों, ये एक ECU कंट्रोल फैन होता है, जो इंजन को ठंडा रखने में मदद करता है। इस गाड़ी में इंजन ब्रेक का प्रयोग भी किया गया है, जो कि डीजल को बचाता है। और दोस्तों, ये इंजन SCR यानी कि सिलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जिसमें आपको एडब्ल्यू तो डालना होता है, लेकिन ये इंजन आपको हाई माइलेज और हाई इंजन लाइफ प्रदान करता है। आइए जानते हैं भारत बेंज की 5528T के फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि एवरेज के बारे में।
दोस्तों मुंबई नासिक हाईवे पर एक दो ड्राइवर से की हुई बातचीत के बाद हमने पता लगाया कि ये गाड़ी ऑप्टिमम ड्राइविंग कंडीशंस पे 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देने में सक्षम है। गाड़ी का माइलेज, गाड़ी को चलाने का तरीका, क्लच का इस्तेमाल, गाड़ी में की हुई लोडिंग और रास्ते की कंडीशंस पर निर्भर करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये गाड़ी मार्केट में मौजूद टाटा मोटर्स की प्राइमा 5530, महिंद्रा की ब्लेजो 55, आयशर की प्रो 8049 और अशोक लेलैंड की कैप्टन 5532 इन गाड़ियों के साथ मुकाबला करेगी। आइए जानते हैं भारत बेंस की 5528 टी के फीचर्स के बारे में। दोस्तों इस गाड़ी का केबिन बहुत ही कंफर्टेबल है और इसका डैशबोर्ड बहुत ही आधुनिक तरीके से कार की तरह बनाया गया है। इस गाड़ी में ब्लोअर्स एस स्टैंडर्ड आते हैं और इसमें आप हीटिंग और वेंटिलेशन यानी कि HVAC ऑप्शनल लगवा सकते हैं। उसी के साथ साथ सेफ्टी की बात करें तो इस गाड़ी में एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ELR सीट बेल्ट, इंजन ब्रेक्स, एग्जॉस्ट ब्रेक्स और क्रैश टेस्टेड केबिन दिया गया है। दोस्तों इस गाड़ी में मूलभूत फीचर्स जैसे रिवर्स पार्किंग कैमरा, डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED डे टाइम रनिंग लाइट्स, स्लीपर बर्थ, 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जर, इंटीरियर लाइट्स, सन वाइजर्स, एरोडायनामिक केबिन आदि फीचर्स दिए गए हैं। दोस्तों इस गाड़ी में आपको गोल्डन ब्राउन और आर्कटिक व्हाइट ये दो कलर ऑप्शंस अवेलेबल है। आइए जानते हैं भारत बेंस की 5528 टी के एप्लीकेशंस यानी कि इसे आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। दोस्तों ये एक ट्रैक्टर ट्रक होने के कारण इसे आप सूटेबल ट्रेलर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हैवी लोड कैरियर ट्रेलर, स्केलेटल ट्रेलर, साइड वॉल ट्रेलर, फ्लैट बेड ट्रेलर, टैंकर ट्रेलर, टिपर ट्रेलर और बल्कल ट्रेलर और ड्रॉबल ट्रेलर के साथ। तो भाई लोग कैसी लगी आपको भारत बेंस की 5528 टी ट्रैक्टर ट्रेलर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों मुझे तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, आपको भी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों ऐसी ही गाड़ियों की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए AAA Diecast & Vlogs, ट्रक टॉक्स। बाय बाय, जय हिंद।